आत्मज्ञानतिमिरा अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवि प्रणमामि हरि प्रिये वांछां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम करेंगे 18वां अध्याय कश्यप। जो वार्तालाप है इसमें हमने सुना था श्लोक संख्या 40 जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है, अतः उसको दोष नहीं दिया। दोस्तों मेरा है, वास्तव में वही व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाता है जो हमेशा दोष अपना ही देखता है। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारा चरित्र में हमेशा हम दूसरों का ही दोष देखते हैं। बचपन से लेकर अब तक, बचपन में स्कूल के टीचर के ऊपर दोष लगाते थे, फिर ऑफिस में दोष लगाते थे, फिर सरकार के ऊपर दोष लगाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों के ऊपर दोष लगाते हैं, गुरु के ऊपर दोष लगाते हैं, फिर भगवान के ऊपर भी दोष लगाते हैं। हर परिस्थिति में हम ये समझ जाएं कि देखिए दूसरों पे दोष लगा के नेगेटिविटी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने पे दोष लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं और इससे हम कुछ एक्शनेबल कुछ होता है और हम कुछ करते हैं और परिस्थितियों में आगे सुधार लाते हैं। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि साइकिल के सामने अगर ट्रक आ जाए तो साइकिल को ही हिलना होता है, ट्रक को तो नहीं हिलना, तो उसी का लाभ है। अगर हम अपने दोष देखने लग जाएं तो बहुत फायदा होगा। लेकिन हम स्वभाव से आलसी हैं, तमोगुण में हैं। अपने में दोष देखने का मतलब है कुछ एक्शनेबल आइटम, जैसे साधना के मैसेज में, साधना की ऐप में हम एक कॉलम डालते हैं लेकिन हमें कोई एक्शनेबल पॉइंट नहीं मिलता उसके लिए। एक्शनेबल पॉइंट निकालना, सोते हुए लेक्चर ना सुनना, नोट्स बनाना, ये सब बड़ा इसमें परिश्रम है। लोरी की तरह लेक्चर सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लोरी में आदमी सो भी जाता है। तो एक्शनेबल आदमी निकालता है, उसके ऊपर काम करना, सोचना, इसमें बड़ा मेहनत है। मेहनत से हम बचना ही चाहते हैं हमेशा, इसलिए दूसरे पे दोष निकाला मामला ख़त्म। मेरी क्या गलती थी, उसने ऐसा किया, ऐसा हो गया, मामला वहीं पे रखा था। कहीं आपने सोच लिया कि इसमें मेरी गलती है, फिर चिंतन करना पड़ेगा, अच्छा अब इसमें क्या डिफरेंट किया जा सकता है। मेहनत है, आदमी मेहनत चाहता नहीं। हम बड़े बड़े कथाओं में यही सुनते हैं कि व्यक्ति अपना ही दोष उसमें निकालता है। जैसे यहाँ परीक्षित कश्यप मुनि कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का क्या दोष है, जबकि अपेरेंटली कोई साधारण व्यक्ति देखेगा तो कहेगा और किसका दोष है, पत्नी का दोष नहीं है। उसने उसने पूरा षडयंत्र रचा फुसलाने का, इतने दिनों तक सेवा करी, उसके बदले में उसके दिमाग में कुछ और षड्यंत्र चल रहा था, तो और किसका दोष है। कश्यप मुनि कह रहे हैं उसने जो किया वो अपने स्वभाव के अनुसार किया, लेकिन मेरा स्वभाव कहाँ चला गया था, मैं अपनी इंद्रियों को वश में क्यों नहीं रख पाया, मैं तो परिचित था। तो यही एक बहुत बड़ा एक लर्निंग है अपने आप में, लाइफ में हमेशा हम कोई ना कोई कहते इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। क्वेश्चन ये आया था कि मैं क्या कर सकता था। वो तो वैसा ही है, माना वो तो ट्रक है, ट्रक तो चलेगा ही चलेगा, ट्रक ज्यादा मुड़ नहीं सकता सड़क पे, है ना, वो ऐसे ही चलेगा। हम कहेंगे हम भी कोई ट्रक है, हम भी तो
ये तो बहुत बड़े ट्रक हैं, हम कौन से कम ट्रक हैं। तो फिर तो दोनों ट्रक जब भिड़ेंगे आपस में, कौन सा ट्रक कितना टूटेगा वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, जब दोनों भिड़ेंगे तो दोनों ट्रकों के ऊपर नुकसान तो होगा। तो इसलिए हमेशा यही बेहतर है कि हम ये सोचें कि हम क्या डिफरेंट कर सकते थे, और हमारा सारा का सारा फोकस एक एक एडवोकेट की तरह इसी में रहता है कि कैसे हम ये साबित करें कि दूसरा व्यक्ति गलत था। हम सब अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आगे चलते हैं। स्त्री का मुख अत्यंत आकर्षक तथा शरदकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर होते हैं, कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के चरित्र को जान सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा चरित्र, ये स्त्री के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। और जैसा कि कई बार हमारे कुछ भक्त परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम शरीर नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म में हम स्त्री रहे हों या अगले जन्म में फिर से स्त्री बन जाए, उसके बाद फिर से पुरुष बन जाए। तो पुरुष और स्त्री, हम लोग पुरुष नहीं है ना ही स्त्री है, हम तो भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। शरीर परिवर्तन होता रहता है, जैसे कोई आजकल की लड़कियाँ कभी जीन्स पहन लेती हैं, कभी साड़ी पहन लेती हैं, तो क्या वो पुरुष और स्त्री बन जाती हैं? वही एक ही कन्या कभी अगर जीन्स टी शर्ट पहन ले और कभी साड़ी पहन ले तो फिर भी कन्या ही रहती है। उसी तरह से जीवात्मा भी कपड़े बदलती है। भगवान कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय भवानि गृहाणि नरोपराणि। तो उसी तरीके से शरीर कपड़े पुराने ऊपर होने पर जैसे आदमी कपड़े बदलता है, हम भी शरीर बदलते हैं। तो ना तो हम स्त्री हैं और ना हम पुरुष हैं वास्तव में। तो इसलिए, लेकिन जो मेटीरियल एक कॉन्सेप्शन बनाया गया, जैसे हमने सुना था कि ब्रह्मा जी ने, हमने पीछे भी सुना कि ब्रह्मा जी ने जब फीमेल करेक्टर का डिज़ाइन किया, वो इसी तरह से डिज़ाइन किया कि व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं बंध जाए अपने आप ही, क्योंकि ये संसार ऑटोमेटिक है या कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगता। यहाँ की भगवान की मशीनरी पर भी बड़ी नेचुरल सी मशीनरी है। हमारी मशीनरी में पेच हैं, नट हैं, इंसान एक रोबोट बनाता है तो कैसा लगता है, और भगवान जो बनाते हैं शरीर वो कितना लगता है, कहीं से लगता ही नहीं है मशीन है। वो किडनी या हार्ट ये सारी मशीन तो हैं, लेकिन गोल गोल से इनकी फॉर्म है, कितनी अच्छी अच्छी मुलायम मुलायम से, और देखिए क्या ज़बरदस्त, पूरे 80-100 साल काम करता रहता है बिना रुके टुके। तो भगवान की मशीनरी बड़ी परफेक्ट है। तो भगवान ने ऐसा संसार बनाना चाहा जो कि ऑटोमेटिक तो हो लेकिन थोड़ा सा रियल इमोशनल फीलिंग के साथ दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे जेल के अंदर चार दीवारी बनानी सही नहीं लगी। चार दीवारी ऐसा लगता है पृथ्वी के आसपास चार दीवारी है, रोज कुछ लोग चार दीवारी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, इसके बाहर क्या है, देखें इसके बाहर क्या है, बाहर कैसे निकले, कोई चार दीवारी नहीं है। एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, प्रभुपाद शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, यहाँ पे जो बेड़ियाँ हैं वो सेक्स लाइफ की बेड़ियाँ हैं और कोई बेड़ियाँ नहीं है। तो उस बेड़ियों के लिए, उसे बांधने के लिए स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से ये अपोजिट बना दिया, और बस ना ब्रह्मा इज फ्री, कृष्णा इज फ्री, सब कुछ अपने आप बंधा है, सब अपने आप चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये कुछ चरित्र में कुछ चीज़ें डली। देखिए जो अति वही बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा उसके पास कुछ ऑपुलेंस आ जाती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी अहंकार और धोखा देने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, क्योंकि उसको अहंकार जाता है। स्त्री को अपने शरीर पर अहंकार जाता है, जिस स्त्री को अपने शरीर पर अहंकार जाता है वो शरीर का उपयोग करती है अपने 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 चीज़ों को पूरा करने के लिए, और वो देखती है कि इसमें वो सफल हो जाती है बड़ी आसानी से। ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो सड़क में लाइन, बहुत लंबी लाइन होगी, एक बहुत लंबी लाइन में से एक बीच में किसी लाइन पे गई, आप क्या मेरे लिए फॉर्म भर देंगे, बस वो आदमी सोचेगा मेरा दिन का सफल, मेरे दिन की सबसे बड़ी सफलता कि इसने मेरे से इतना प्यार से बात किया, हाँ जी मैं आपके पूरे खानदान के फॉर्म भर दूँगा लाइए। हाँ, इस तरीके से ऐसे उनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि लोग ऐसा गिरने को तैयार होते हैं, इसलिए उनके अंदर भी अपने इस रूप को इस्तेमाल करने की एक टेंडेंसी बन जाती है। वो जरा से मुस्कुराना है और काम करा देना है। आपने अक्सर देखा होगा बैंकों की लाइन में, कहीं की लाइन में कोई स्त्री साइड में से जाएगी और बोले मेरे को देर हो रही है, भाई भाई साहब तो नहीं बोलेगी, नहीं तो लगने नहीं देगा, मुझे देर हो रही है, कुछ कुछ ऐसा बोलेगी और वो फटाक से हो जाएगा काम। तो ऐसा नेचर बन जाता है। तो ये उन लोगों के बारे में बात करी जा रही है, उन स्त्रियों के बारे में बात करी जा रही है जिनका जो इस प्रकार से अब
अपने रूप और सौंदर्य को इस्तेमाल करती हैं अपना काम निकालने के। तो बता रहे हैं कि उन जैसा कि यहाँ पर दीदी ने किया, अपने रूप और सौंदर्य को उसने इस्तेमाल किया अपने पति को से एक ऐसा पुत्र पाने के लिए जो कि उन्हीं के दूसरी पत्नी का पुत्र है, यानी कि अपने ही पुत्र को मरवाने के लिए एक और पुत्र की इच्छा करी। यहाँ बता रहे हैं कि यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि छुरे के धार के समान अत्यंत पहना है। बोला ऐसा कौन है जो इस चरित्र को जान पाए, जो उस अच्छी सी मुस्कुराहट के पीछे क्या है। व्यक्ति सोचता है ये तो अब मेरे पर मुस्कुरा दी है तो बस अब मेरी हो गई, उसको पता नहीं होता है कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा है। ऐसे कितनों के ऊपर मुस्कुरा दिया गया है ऑलरेडी। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है, ऐसा प्रभुपात करें। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को भी प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक लगती है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनें बड़ी तेजी से बदलती हैं। हम देखते हैं हीरो जो है 16 साल में आए, 50 साल का हो गया, बाल डाई डाई करके अभी भी हीरो ही बना हुआ है, और स्त्रियां उसके सामने से आई कितनी बदलती गई। हाँ, तो तरुण अवस्था में ही उसको स्क्रीन में आगे रख दो और कई सारे लोग उनसे शादी कर चुके होते हैं। मैं शादी करूँगा तो हेमा मालिनी से ही करूँगा, सॉरी फॉर वेरी बैड एग्जांपल, लेकिन जो भी है, मैं शादी करूँगा तो इसी से। कितने लोग अपने घर छोड़ छोड़ के बॉलीवुड में, उनके घरों में वो एक बार बालकनी में निकलती है तो ऐसे करते हैं जैसे आह भगवान के दर्शन हो गए, चलिए अब काम पे चलें। हाँ, वो बालकनी में आई थी, हाँ बालकनी में आई थी, अपने कपड़े सुखा के चली गई, पर उतना ही दर्शन कर लिया, बहुत हो गया। तो इस प्रकार से उस तरुणावस्था से लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब वो तरुणावस्था बाद में मरणावस्था में दिखती है तब आदमी का सारा अटैचमेंट समाप्त हो जाता है। आपने सुनी है लिक्विड ब्यूटी की वो स्टोरी जो प्रभुपाद सुनाते थे। एक स्त्री से एक व्यक्ति बड़ा आकर्षित हुआ और उसने बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और उसने बोला अगर विवाह करना चाहते हो तो एक हफ्ता रुको, जरा मेरे को प्रिपेयर करने दो अपने आप को, आई लेट मी थिंक अबाउट इट, एक हफ्ते बाद यहीं पर मिलेंगे मंदिर में। तो एक हफ्ते बाद वो जब वहाँ पे आती है तो वो आदमी उसको पहचान ही नहीं पाता है, वो पूछता है वो आई नहीं बड़ी देर तक, आपने ऐसी किसी लड़की को देखा। उसने कहा जी मैं ही तो हूँ, कब से खड़ी हूँ यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ। वो घबरा के पीछे उठ जाता है और भाग जाता है वहाँ से। एक हफ्ते के अंदर उस स्त्री का रूप रंग टोटली बदल चुका होता है। कैसे? क्योंकि वो ऐसी दवाई खाती है जिससे उसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग होती है, उसका शरीर पूरा दुबला पतला सिकुड़ चुका होता है। और वो रस व्यक्ति जब पूछता है उससे तो कहती है देखिए जी मैं वही लेडी हूँ, यदि आपको मेरे रूप और सौंदर्य चाहिए तो मैंने अपने रूप और सौंदर्य को बड़े अच्छे से संभाल के रखा है। वो उनको कुछ घड़ों में लेके जाती है, देखो जी मेरा रूप सौंदर्य वहाँ पे मल और उल्टी के पॉट पड़े होते हैं, फिर मैंने अपना सारा रूप सौंदर्य निकाल के इन पॉट में रखा है, आप चाहो तो इनका सेवन कर सकते हैं। उस व्यक्ति को ये देख के उल्टी हो जाती है और फिर वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो पैकेजिंग है, इस पैकेजिंग के नीचे क्या है वो हम सबको पता है, इसलिए यहाँ पर वही बताया जा रहा है कैसे व्यक्ति इस तरुण अवस्था से आकर्षित हो जाता है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और गायनरत स्त्री आकर्षक होती है, यानी कि उसके बोलने में मधुरता होती है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है, उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत्व धन कमाती है। इसलिए जैसा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का संगीत घातक है क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। बड़ा घातक है वाणी को निरंतर सुनना, गायन को सुनना, क्योंकि उससे आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और कितने ही युवा मैं देखता हूँ, कितने ही युवा पागल हो चुके हैं, वो जीने मरने को तैयार हैं। अपने फैन क्लब्स आप जानते हैं, फैन क्लब बनाए गए हैं सिंगर्स के, एक्टर्स के। सोचिए कैसा ज़माना आ गया है जब लोग भगवान को तो नहीं जानते हैं लेकिन एक्टर एक्ट्रेस के फैन क्लब हैं और हजारों लाखों लोग जान देने को तैयार हैं। यहाँ पर कोई भी एक्टर एक्ट्रेस आ जाए गाजियाबाद में, गाड़ी से निकलेगा जी जीटी रोड में वेव करता हुआ, तो सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि बस उसका वेव एक बार दिख जाए तो आशीर्वाद मिल जाए जीने का। इस प्रकार से भीड़ उमड़ पड़ती है। तो वही बता रहे प्रभुपाद, बड़ा घातक हो सकता है, इससे
बड़ा खतरनाक अटैचमेंट हो सकता है, जो उनके सुंदर नेत्रों को देखता है वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकर्षित होगा और उसका पतन हो जाएगा। कहते ना ये झील सी नीली आंखें वास्तव में झील है, जो जाएगा और डूब, झील से बहुत ही गहरी होती है झील, बच नहीं पाएगा, एकदम से डूब के समाप्त है उसके बाद। लेकिन नदी में तो चांस होता है कि इधर उधर नदी उसको उठा के पटक दे कहीं पर प्रवाह में, ये भी चांस है ना। झील में तो गया 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 गया, गया नीचे खत्म। इसलिए बड़ा इसमें बचना है। और स्त्रियों को भी सोचना है, वो भी इसी तरह से आकर्षित हो जाती हैं। तो बेसिकली अपोजिट सेक्स के प्रति इसको अगर हम लें कि उसके प्रति कैसा आकर्षण है समाज में, तो उसी के बारे में बात करिए। यहाँ तक कि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हो गए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे चाहिए कि वह ना तो स्त्री का मुख देखे और ना ही उसकी वाणी सुने, या जो स्त्रियां हैं वो इसी प्रकार से पुरुष के बारे में सोचें। स्त्री के मुख को देखकर उसकी प्रशंसा करना, उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। भले ही ये ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए लिखा हो, हमें अपने लिए भी लेना चाहिए, हम ग्रस्त हैं। तो ज्यादा उसकी प्रशंसा करना दिन रात, धीरे 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 उससे आसक्ति हो जाएगी और निश्चित पतन है, निश्चित पतन होता है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री का शरीर सुंदर है, उसका मुख आकर्षक है और वाणी मधुर होती है, तो वह पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री आवे तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। समझे आप, घास से ढका हुआ कुआं, जैसे कि जानवरों का शिकार करने के लिए कई बार कुएं के ऊपर घास रख दी, उधर से कोई भाग रहा है जानवर, उसके ऊपर से निकला थप से नीचे गिर गया। तो इसी प्रकार से घास से ढका हुआ अंधकूप है। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं जो, और मनुष्य उससे परिचित ना होने के कारण उसमें गिर जाते हैं, क्योंकि संसार के सारे आकर्षक स्त्री पर आधारित हैं आकर्षण। अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है कि श्वासो नैव कर्तव्य त्रिषु राजकुलेषु च, जो दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास न करे, राजनीतिज्ञ और स्त्री। हमने शुरू में बताया था कि हम ऐसी स्त्रियों की बात कर रहे हैं, हम वैष्णवियों की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कि वैष्णवी तो स्त्री और पुरुष के ऊपर है। हम ऐसी स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो अपने रूप और सौंदर्य का इस्तेमाल करके लोगों को ठगती है या अपना काम निकालती है छोटा मोटा या कई तरह का, तो उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना करें, लेकिन आंख बंद कर कर वैष्णवी पे भी विश्वास ना करें। क्या पता कोई नए नए आते हैं, हमने ऐसा बहुत देखा है, आते ही आने का पर्पज यही है कि कौन से ब्रह्मचारी को फंसाया जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी बड़ा दिव्य लगता है, चमकता हुआ टांट दिखती है, तिलक बिल्कुल नाक से शुरू हुआ तो सर पे ही खत्म होता है, दिव्य लगता है, कपड़े दिव्य लगते हैं, क्या करेक्टर, मैन ऑफ करेक्टर, तो मैन ऑफ करेक्टर को ही गिराया जाए। तो ऐसी कई स्त्रियाँ हैं जो जानबूझ के ब्रह्मचारियों के पास जाएंगी, हरे कृष्णा प्रभु जी वो टेंपल हॉल किधर है, पता है टेंपल हॉल कहाँ है, हाँ वो भी कहते हैं कि मैं क्यों ना इनकी मदद ही कर दूँ। वो नहीं सोचते कि टेंपल हॉल नहीं पता, तो पूछ ले किसी से, हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ टेंपल हॉल, बस उधर को लेके चलते हैं और वहीं से निकल लेते हैं। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ था, नारद मुनि जब भगवान से बोलते हैं क्या आपकी माया है, देवी ऐसी गुण मई मम माया दुर्त्या, मेरे को तो महसूस नहीं हुआ कभी। तब भगवान कहते हैं कि अच्छा मेरे लिए पानी लेके आइए। वो पानी लेने जाते हैं एक जगह पर, नदी के झील के किनारे, और वहीं पर उन्हें एक स्त्री दिखती है। उस स्त्री से इतने आसक्त हो जाते हैं, पानी का खड़ा हाथ से छूट जाता है, ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं, और वो थोड़ा सा उनके सामने मुस्कुरा देती है, ऐसा लगता है कि ये उनको चाहती है बस, और ये उनके पीछे पीछे, और तुरंत प्रपोजल जाता है, मुझे आपसे विवाह करना है, बताइए नारद मुनि। और वो कहती है विवाह करना है तो मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा, चलिए घर पर। पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी ठीक वैसे ही जैसे सत्यवती के पिताजी ने वचन लगवा लिया। पिताजी कहते हैं देखो जी घर जवाई बनना पड़ेगा, घर जवाई बनना तैयार है तो आ जाइए। वो कहते हैं ठीक है जी, घर जवाई बन जाते हैं। तो नारद मुनि वहीं रहने लगे। धीरे धीरे पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी रह गई, पत्नी के बच्चे हुए, और अचानक से एक दिन गाँव में बाढ़ आ गई, और बाढ़ का पानी इतना भर गया कि वो सब छत के ऊपर चढ़ गए अपने झोंपड़ी के बच्चों के साथ। और तभी एक तेज लहर आई और एक बच्चा बह के निकल गया, और बच्चे के पीछे पीछे माँ कूद गई, और नारद मुनि रो रहे हैं, दहाड़ मार के रो रहे हैं। अचानक से उनके होश खुलते हैं, भगवान पूछते हैं क्या हुआ, नारद मुनि पानी लाने को कहा था। वो कहते हैं ये क्या था भगवान, ये सब क्या था, यही था देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। इस प्रकार
प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि वैष्णवों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर पे अभी जो कल्चर चल रहा है, हम देखते हैं कि कई सारे वैष्णव जो है, नए नए वैष्णव जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं है, वो नृत्य करने का स्टाइल नहीं जानते। हम देखते हैं कि माताएं बिल्कुल प्रभु जी के सामने अपने नृत्य के रंग ढंग दिखाती हैं, ऐसे भी नाचा जा सकता है। उनको मालूम नहीं है कि कितने लोग उन्हीं के टकटकाई लगाए देख रहे हैं नाच करते हुए, और सबके पतन हो रहे हैं। तो कैसे नाचना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं। जैसे हम जानते हैं, हम कहते हैं कि साड़ी जो है कितना पवित्र वस्त्र है, लेकिन बॉलीवुड ने साड़ी को सबसे ग्लैमरस वस्त्र बना दिया है। हमें लगता है कि सूट में और बाकी वस्त्रों में आदमी ज़्यादा ढका हुआ होता है साड़ी से, ऐसा बना दिया गया। इसी तरह से गोपी ड्रेस भी ऐसी बनती जा रही है। तो ऐसी चीज़ें बड़ा ध्यान है हमारे जो नए नए जनरेशन के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो इस चीज़ को ना जानते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेती हैं और कई तरह के गलत काम हो जाते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में भी आपको बड़ा सतर्क रहना चाहिए। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं, अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने की विशेषता सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत तो हर एक के लिए है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो। अब प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि स्त्रियों के लिए नहीं है, प्रभुपाद यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, है ना। ऑल दो हम लोग एक ही प्रवचन में बैठते हैं, लेकिन चलो दोनों अलग अलग साइड में बैठते हैं, फिर भी कई सेवाएं और कई चीज़ों में हम मिले जुले रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों के लिए ही कृष्ण भावनामृत है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि चाहे स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, प्रत्येक जीव भगवान के धाम जाने के लिए बराबर रूप से उपयुक्त है, यदि वह अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकर्षित ना होकर श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। खासतौर पर आपकी आपकी परंपरा में कई सारे फॉरनर्स बॉडी वाले डिवोटीज हैं, और फॉरनर बॉडी वाले डिवोटी जब बैठे होते हैं तो हमें लगता है क्या शुद्ध भक्त है, क्यों, क्योंकि चमड़ी बड़ी सफ़ेद है। बताइए, हम देख के लगता है हमारी पत्नी और हमारे भक्त क्योंकि थोड़े काले हैं, सांवले हैं, तो हमें अच्छे भक्त नहीं लगते, लेकिन वो सफ़ेद भक्त हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। तो भक्त की पहचान उनके शरीर से नहीं हो सकती, भक्त की पहचान उसकी भक्ति भाव से हो सकती है, जो कि देख के कैसे, खाली देख के तो हमें भ्रम भी हो सकता है ना, इसलिए खाली देख के हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा बड़ी अट्रैक्शन हो जाती है, कई बार हम क्रॉस कल्चरल शादियाँ भी कर लेते हैं, बॉडी से अट्रैक्ट होकर, भक्ति से अट्रैक्ट होकर नहीं। हमने देखा कई प्रभु जी लोग, ऐसा नहीं है कि ये मना है कि आप किसी विदेशी से विवाह नहीं कर सकते, लेकिन विदेशी से विवाह करने के पहले हमें, आई थिंक जैसे कि प्रभुपाद ने एक समय पर बताया था ऐसा, जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं कि किसी से अगर शादी पक्की करनी हो तो कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने, या तो कहते थे कि एंगेजमेंट और शादी में 6 महीने का गैप करो, या कम से कम 6 महीने साल तक उसको ऑब्जर्व करो क्लोजली, या तो फिर किसी के राय पे या किसी काउंसलर्स के उसके थ्रू करा जाए। उसमें भी हम यही राय देते थे कि काउंसलर्स ने भी उसको कम से कम 6 महीने साल तक ऑब्जर्व किया हो किसी व्यक्ति को, तभी हम बता सकते हैं, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट है कि कौन क्या है, कौन किस लेवल पे है। तो इसलिए कई बार हम केवल बॉडी से अट्रैक्ट होकर विवाह कर लेते हैं। कितने सुंदर सुंदर अंग्रेज बच्चे होंगे, व्यक्ति सोचता है मेरे बच्चे भी वाइट वाइट सुनहरे बालों वाले, लेकिन बाद में उसके सुनहरे बाल कैसे हो जाते हैं पता है, तांबे जैसे लाल हो जाते हैं शादी करते ही, खड़े हो जाते हैं सारे, जैसे बिजली का करंट लगा। और ऐसे हमने कई केस देख लिए, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, भले ही दोनों ही डिवोटीज़ हैं, फिर भी रहन सहन तरीका कहाँ भले बड़े हैं, बहुत डिफरेंस होता है। इसमें इतना बड़ा झटका लगता है शादी के बाद कि सोच भी नहीं सकता आदमी, इसलिए बहुत ही सोच समझ के ये काम करने चाहिए। अतः हम श्री कृष्ण आंदोलन में समस्त ग्रहों समस्त सिर्फ सबसे बोलते हैं कि कृष्ण के प्रति आकृष्ट हों, ना कि शरीर के प्रति आकृष्ट, तभी सब कुछ ठीक चलेगा, अन्यथा भय है। प्रभुपाद करें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनके परम मित्र प्रिय हों, किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को परम साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं या अन्यों से करा सकती हैं। बात कहते हैं कि कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है, स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी हैं, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए जिससे उनका यह स्वभाव प्रकट ना हो जाए। जैसे कि स्वभाव से बच्चे भी बड़े लालची होते हैं, होते ना, उनको टॉफी चाहिए, आज ये खाना है, वो खाना है, भैया को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। हम सब भी बचपन में करते थे ना, कुछ छोटी लिमिटेड चीज अगर घर में आई है
शकरकंदी घर में आई है, सबके हिस्से में एक एक बटी, अपनी एक सेकंड के अंदर खाली और फिर खाली बैठ गए, माँ की तरफ देखते रहे, टटके लगते, बड़ा भाई से निकाल के माँ ने ले ले तू खा, बड़े भाई ने अब छोटे उन्हें फिर से खाली, फिर माँ ने अपने हिस्से के बदले ले तू ये भी खा। तो जो बच्चे के अंदर ये नेचर होता है वैसे ही स्त्रियों का नेचर बताया गया, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि ये स्वभाव पनपे ना ज़्यादा। स्त्रियों को मनुष्य द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है बचपन से, बचपन में स्त्री की सुरक्षा उसके पिता और उसके बाद उसके पति और उसके बाद उसके पुत्र द्वारा होती है, यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रखा जाए, स्वतंत्र से मतलब है उनको बेड़ियों में नहीं बांधना है, कहने का मतलब है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन वैदिक कल्चर में कभी हमने स्त्रियों को बंधे हुए नहीं देखा गाय के खूंटे में, आजकल जरूर बंधे हुए देखा है। आजकल बंध गई है किसमें, नौकरी तो जाना ही जाना है, खाना बनाना ही बनाना है, उसके बाद आके भी खाना बनाना ही बनाना है। तो आजकल ज़्यादा बंधन दिखता है, जबकि आजकल हमने लिबरेशन कर दिए। तो स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उनकी स्वार्थ परता प्रकट ना हो पाए। इस काल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्या कर दी है। जैसा हम अक्सर देखते हैं, एक 80 साल के लड़के ने 16 साल की लड़की से शादी करी, तो हम कई बार जोक मारते हैं कि क्यों शादी कर गई, तो बोलती है जी एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन कम, इसलिए हमने यहाँ पे विवाह किया। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जीवन बीमा के चक्कर में या उनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी करी और उसके बाद, ऐसी कई पिक्चरें भी बनती हैं कि किसी ने ऐसे शादी करी और अपने किसी दूसरे के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी है ना। तो ये कॉमन है, ये स्त्रियों की आलोचना नहीं है, अभी तो उनके स्वभाव का अध्ययन है। अध्यात्म बुद्धि के द्वारा हो ही स्त्री की आलोचना की ऐसी सहज वृत्तियों का प्रकट होता है। जब स्त्री या पुरुष की आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाती है तो उसकी अध्यात्म बुद्धि जाती रहती है। जब उसकी उसको आध्यात्मिक चेतना मिलती है, वो कृष्ण भावना वृत्ति में आती है या आता है, तो उसकी जो ये जो टेंडेंसी है ये समाप्त हो जाती है सारी। और ये टेंडेंसी बड़ी नेचुरल है, कोई कंगला किसी को क्या अट्रैक्ट करेगा बताइए, कोई भिखारी किसी को क्या अट्रैक्ट करेगा, कोई अमीर रईस आदमी किसी को अट्रैक्ट कर सकता है। उसी तरह जो रूपवान है वही तो किसी को अट्रैक्ट करेगा। पुरुष अक्सर बेढंगे बेडॉल होते हैं, वो किसी को क्या अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए उनके अंदर ये स्वभाव से नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि पुरुष कोई महान है, उनके पास कुछ उनका सकल सूप रूप कहीं से कुछ भी नहीं है तो क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो स्त्रियों के पास वो है तो वो उसके चक्कर में गिर जाती है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि विद्या रूप सौंदर्य शिक्षा अच्छा कुल ये सारी हमारी मुसीबत का कारण बनती है, क्योंकि इसके कारण हमारे अंदर इसको इन्फ्लुएंस करने की इच्छा हो जाती है, दूसरों को प्राइड आ जाता है। तो ये कारण है, यानी कि धनवान ही गिरता है, उसी तरीके से रूपवान ही गिरता है। तो वो रूपवान है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाइयों के रूप में देखना चाहिए। कल एक प्रश्न पूछ रही थी सुशीला माता जी की, घृणा हो रही थी स्त्रियों से, क्या घृणा पैदा करने के लिए है। शिला प्रभात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें सारी स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए, आध्यात्मिक इकाइयों की तरह देखना चाहिए, उनके ऊपर की पैकेजिंग को भूल जाना चाहिए, हमें आध्यात्मिक इकाइयों के रूप में देखना चाहिए जिनका एकमात्र धर्म श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। और यदि हम उस तरह से देखेंगे तो हम एक बहुत अच्छा गुण पाएंगे स्त्रियों के अंदर, उनकी सरलता, जो हम अक्सर बोलते हैं उनकी सरलता, जिसके कारण वो जल्दी से भक्ति में आ जाती है। और एक पुरुष को बड़ी देर लगती है अंदर भक्ति माने के लिए, तब हम इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाले गुणों का प्रभाव नहीं होगा। जब उन्होंने क्या देखेंगे, एक आध्यात्मिक इकाइयों के रूप में। बहुत तरीके हैं देखने के, देखिए एक तरीका ये है, एक तरीका हमने बताया लिक्विड क्वीन ब्यूटी, ये सोचिए कि इसके अंदर क्या है, वही मल मूत्र है, ऊपर से ये है, लेकिन इनकी आत्मा आध्यात्मिक है। एक तरीका ये है देखने का, एक तरीका देखिए ये है कि ये सारी कृष्ण की संपत्ति है। कौन है गोपी, जैसे कि शिला प्रभात ने पेरिस में जब खोला अपना सेंटर, तो वहाँ पे जैसे लंदन में लंदनेश्वर है, पेरिस में पेरिशेश्वर है, पेरिशेश्वर, तो उन्होंने बोला कि जो पेरिस की जितनी भी सुंदर कन्याएं हैं अब कृष्ण उनके लिए यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। सारी, क्योंकि पेरिस में फैशन, आपने आपको पता ही है पेरिस इज फेमस इन द वर्ल्ड फैशन के लिए, तो पेरिस ने कहा ये सारी सुंदर स्त्रियाँ आप किसकी हैं, यहाँ पे कृष्ण आ गए, ये सब कृष्ण। तो जितने भी स्त्रियाँ हैं हम ये सोच सकते हैं गोपियाँ वो भगवान की संपत्ति हैं। वास्तव में हमने भगवान की संपत्ति से विवाह करके चोरी करा हुआ है, हम उसको अपनी संपत्ति मान के बैठे हैं।
वास्तव में हाँ कृष्ण ही तो ओनर है, ये भी हम सोच सकते हैं कि ये सारी संपत्ति ये मेरी भोगने की वस्तु नहीं है, ये तो कृष्ण की भोगने की वस्तु है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के कलमश को जो देह धारण करने से उत्पन्न होता है दूर कर सकता है, भौतिक प्रकृति के कलमश को दूर कर सकता है। इसलिए प्रारंभ में ही भगवद गीता का उपदेश है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं है आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। प्रवचन तो बहुत अच्छा है, अच्छे नोट्स भी बन रहे हैं, छोटे छोटे कैसे हम ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। देवहूति माता का चरित्र पढ़िए श्रीमद् भागवत में कि देवहूति माता कैसे रहती थी अपने पति के साथ, कर्दमुनि के साथ। हमारा पति कमाता होगा 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, उसमें हमें इतना गुमान है कि हम अब हमारे घर में अब ब्यूटी पार्लर ही खुल जाएगा पूरा का पूरा, एक से एक बढ़िया बढ़िया क्रीमें और पाउडर और क्या क्या नहीं आ जाएगा। लेकिन वो तो पूरे संसार के राजा की बेटी थी, हाँ, और वो जंगल में ऐसे रही जैसे हम मैं बता रहा था कि उनके बालों में भी जटाएं पड़ गई थी। हमें बालों को बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा समय हो सकता है हमारा बालों में ही चला जाता हो, बहुत सारा समय हमारा गालों में ही चला जाता हो, लेकिन देवहूति माता बिल्कुल ऐसा नहीं थी और इसीलिए आज हम उनका नाम लेते हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत समय बर्बाद करना, उसमें फोकस करना, उसमें बड़ा मचलना, ये सोचना कि मैं सुंदर लगती हूँ या नहीं, या लगता हूँ या नहीं, लग रहा हूँ कि नहीं, इस भावना से कभी तो हम निकलेंगे, कभी तक यही करते रहेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, कब तक हम ये करते रहेंगे और बार बार पैदा होते रहेंगे। जब तक हमारा इस शरीर में इतनी आसक्ति है तब तक हमें बार बार शरीर मिलता ही रहेगा, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है हम जानवर नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बार बार मनुष्य बनना भी तो कितना दुखदाई है। तो यही है हमारा रहता ही है कि हम कैसे सुंदर लग सकें, और वहीं से समस्या शुरू होती है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरना आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जब तक देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहेगा तब तक पद भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं कई हमारे ग्रंथों में, लेकिन ये बेसिक चीज़ को मिस कर जाते हैं कि जब तक देहात्म बुद्धि है। इस पर भी प्रभुपाद हमेशा एक कथा बताते थे जो आपने कई बार सुनी होगी कि एक व्यक्ति को एक गांव में एक शादी थी और शादी समाप्त हुई, रात को सब लोग नाव में बैठे और नाव के पार उनका गाँव था, उन्होंने कहा रात भर चलाएंगे तो उस तरह पहुँच जाएंगे धीरे धीरे तिरछा जाके। तो सब लोग नाव में बैठ गए, चप्पू चलता रहा, लोग नाव में सो गए, चप्पू वाला चलाता रहा, और जैसे जैसे भोर हुई उजाला हुआ, सवेरे के सूर्य देव आए और देखा सबकी नींद खुली, अरे हम तो उसी वहीं के वहीं हैं, एक इंच भी अपनी जगह से नहीं ले। उसने कहा मैंने तो रात भर चप्पू चलाया, सबने कहा तू झूठा है, तू सो गया होगा। बाद में देखा कि उसमें लंगर लगा हुआ है, एंकर लगा हुआ है, और नाव वहीं की वहीं टिकी, पूरा दम लगाया रात भर, लेकिन हम वहीं के वहीं रहे। इसी प्रकार से हम लोग अपनी साधना में कितना दम लगा रहे हैं, व्रतों में दम लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने वो खूंटा अटका रखा है देहात्म बुद्धि का, वो नहीं जाना है। तो जब तक देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहेगा तब तक पद भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में हो या पुरुष वेश में हो, वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, इसलिए जो भोगता है उसी को पुरुष बोलते हैं, इसलिए परम पुरुष परम भोक्ता भगवान ही है। तो एक स्त्री भी भोगना चाहती है, पुरुष भी भोगना चाहता है, इसलिए आत्मा के लेवल पे दोनों को पुरुष लिंग में बोला जाता है, और जिससे जिसमें सुखो भोग की प्रवृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वह अन्यों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता, प्रत्येक प्राणी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में रुचि रखता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रत्येक पुरुष या स्त्री को उत्तम कोटि की शिक्षा प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बनना और स्त्री को पति की परम अनुयायी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार से दोनों भक्ति को प्राप्त करेंगे, इससे दोनों का जीवन सुखी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं रूपा दे रहे हैं। मैंने अगला श्लोक है, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैंने तो बोल दिया, देखिए एक दशरथ की तरह, राजा दशरथ की तरह इन्होंने भी बोल दिया। मैं बोल देता हूँ तो अपनी बात भी नहीं सुनता, ऐसे ऐसे हमारे कुछ फिल्मी डायलॉग। बोल दिया तो तुम क्या, कौन से तुम ना, तुम कौन पूछ सकते, तुम भगवान कृष्ण हो तुम, कि मैंने बोल दिया तो तुम्हारे बोलने को कौन पूछ रहा है। लेकिन मैंने बोल दिया तो
तो मैंने वर दे दिया है, इसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध किए जाने के योग्य भी नहीं है स्थिति में मैंने, तो ये बड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, दिमाग लगाया जा सकता है कैसे धर्म की उल्लंघना ना हो, धर्म उल्लंघन उल्लंघित ना हो, ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। तो इन्होंने तो लगा लिया, तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसा वचन दे दिया उल्लंघन तो हो नहीं सकता, लेकिन इंद्र तो वध नहीं किया जा सकता, इंद्र तो भगवान के बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो राजा हैं देवताओं के, इज लाइक गॉड फॉर देम। इस स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा है वह उपयुक्त। अब उन्होंने एक उपाय सोचा, एक तरीका सोचा, बहुत बढ़िया तरीका, ऐसा तरीका हम भी सब फंस जाएं कहीं तो अपना सकते हैं। तात्पर्य है कश्यप मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि दीति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध करे, आखिर वह स्त्री तो है, अधिक चतुर तो नहीं है, मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त बन जाए। ये एक आदमी का ये स्टाइल होता है, ये आपको प्रीचिंग स्टाइल सिखा रहे हैं। हम अक्सर जब संसार में प्रीचिंग करने जाते हैं, खासतौर पर अपने घर में, तो अपने घर में तो हम सीधा ही चाहते हैं कि आज से ही 16 माला करनी है, आज से ही, अदरवाइज तुम बिल्कुल निकृष्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणित व्यक्ति अगर हो तो आप ही हो, मम्मी आप ही हो, पापा आप ही हो, भाई, ऐसा हमारा विचार होता है। और इसलिए भगवान गीता में श्लोक बोलते हैं कि कभी किसी मैटेरियलिस्टिक आदमी को विचलित नहीं करना चाहिए प्रचार के चक्कर में, उसको करते रहने दो जो कर रहा है। जैसे कि हम अक्सर कई बार कहते हैं कि आप चलिए जो पूजा पाठ कर रहे हैं करते रहिए, साथ में आप ये वाला भी कीजिए, ये भी तो कीजिए, मेरे कहने पे कर लीजिए, लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप मेरे से प्यार करते हैं, मेरे लिए कर लीजिए एक माला भगवान की या कुछ भी करके। अच्छा आपको ये चाहिए, अगर आप ये जप करेंगे तो आपको ये मिलने की उम्मीद है, आप इस जप को कीजिए, साथ में आपको वो फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हाँ, जैसे कि सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को बड़ी सतर्कता से भगवान की सेवा में लगा दिया, अच्छा तुम्हें राज्य चाहिए तो जाओ नारायण की सेवा करो, तो इस तरह से वो नारायण की सेवा में लग गया। लेकिन जो नारायण की सेवा में लगा उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं बची। तो इस तरह से इन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि खुद ही भक्त बन जाएगी। यदि हम वैष्णव नियमों का अंगीकार कर लेती है यदि वह, तो उसका कुलुषित हृदय निश्चित ही शुद्ध हो जाएगा, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ते चेतो दर्पण मार्जनम, भक्ति की यही विधि है, कृष्ण भावना में इतना प्रबल है कि मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। जैसा कि हम सुनते हैं श्री रंगनाथ टेम्पल में, वो जो व्यक्ति था जिसने टेम्पल बनाया, वो कैसे एक लेडी से उसको प्यार हो गया, और ये व्यक्ति अव्वल दर्जे का डाकू गुंडा लुटेरा मर्डरर था, और इसको एक कन्या से प्यार हो गया। उसने कहा, अब वो फंस गई, वो वैष्णव ही थी बहुत बड़ी, उसने कहा क्या करूँ, उसने कहा मैं तुमसे तब विवाह करूंगी जब मुझे नंबर याद नहीं है, जब 1000-2000 समथिंग वैष्णव को खाना खिला दो। अब बता बताइए जी, 2-5000 वैष्णव को खिलाना है तब शादी करेगी, वो लग जाता है इस काम में, पागल हो जाता है उसके प्यार में, वो इधर सारा पैसा जितना भी लूट खसोट के लाया होता वैष्णव को बुला बुला के वैष्णव की सेवा करता है, उनको खाना बांटता है, और बाय द टाइम जब वो खाना बांटता है उसका हृदय इतना प्योर हो जाता है बांट बांट के कि वो वैसे ही प्योर आदमी हो जाता है। इस प्रकार से हमें एंगेज करना होगा अपने बच्चों को जो कि कम बुद्धि वाले हैं, अपने घर के ऐसे हर व्यक्ति को जो इतना मैच्योर नहीं है कि फिलॉसफी को समझ पाए, उसको हमें इस तरीके से भक्ति में लगाया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है, और नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है कि व्रजेंद्र नंदन ही सची सुत हैल सही बलराम हैल निताई दीन ही नयत छीला हरि नाम उद्धारीला तार साक्षी जगाई मदाई। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए है जो सदैव भौतिक सुख के लिए लगे रहते हैं, इसलिए इन लोगों को रिजेक्ट नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है, किसी तरह से इन्हें लगाना है। उन्होंने इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किया जिससे वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएं, शुद्ध बन जाएं। एक बार वैष्णव शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी अध्यात्म बुद्धि के परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया जिससे वह इंद्र के वध का विचार ही त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दीदी तथा उनके पुत्र शुद्ध बने और वैष्णव बने। कभी कभी अभ्यासकर्ता वैष्णव नियमों से विचलित हो जाता है और संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए, किंतु कश्यप मुनि ने सोचा कि भले ही यदि कोई वैष्णव नियमों से विचलित भी हो जाएगा तो भी संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए, पर यदि कोई वैष्णव नियमों का अभ्यास करते हुए गिरता है तो उसको हानि नहीं होती है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। अगर ये पूरी तरह से इसका विचार नहीं भी बदले, माना शुद्ध नहीं भी हुई, तब भी ये भक्ति का फल कुछ तो मिलेगा ही, इसलिए इसको लगा देता हूँ। इंद्र के दुश्मन के पैदा करने के चक्कर में इससे कोई मैं शुभ काम करा लेता हूँ, वैसे ही इसको पता तो है नहीं कौन सा मंत्र बोलना है क्या बोलना है। अगर मैं इसको बोलूँ कि
ये बोलो जी हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है रोज 192 माला करनी है तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र मिलेगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन वो जप लेगी तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी उत्तम फल प्राप्त होता है, जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है कि वैष्णव नियमों के रंच मात्र पालन से भी संसार के बड़े बड़े भय से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की सोची, और यही सबसे बड़ी शांति का फॉर्मूला है। यदि समाज में शांति चाहिए तो सबको वैष्णव बना दो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सारी ब्लैक मार्केटिंग, सारा द्वेष, एनवी सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद का एक कोट जो हम सवेरे बोलते हैं कि यदि वैष्णव देखता है कि समाज के सरकारी नियमों में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, समाज में अराजकता है, तो खड़ा होता है और अपने ही दम पे हरे कृष्ण आंदोलन शुरू करता है अपने एरिया में कहीं पर भी, और इस तरह से समाज को बदलने का प्रयास करता है, जैसा कि आप सभी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।